दलित मुस्लिम एकता मंच भरतपुर राज्य के तत्वाधान में कुंवर कुलदीप सिंह और रामवीर जाटोलिया द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन भरतपुर राजस्थान में किया गया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर धर्म और जाति के नाम पर हत्या करने वालों को सजा हेतु एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में अलग अलग घटनाओं पर अपनी अपनी मांगे रखी हैं, जो कुछ इस प्रकार से। घटना नंबर एक, झारखंड के तबरेज अंसारी नाम के नौजवान को मजदूरी से घर लौटते समय कुछ लोगों ने चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर तबरेज को पीट पीट कर मार डाला, क्योंकि वो मुस्लिम था। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। घटना नंबर दो, 3 जुलाई को हरियाणा के गुरुग्राम में बाजीरावपुर गांव के अजय वाल्मीकि को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके आरोपी अभी तक फरार हैं। हरियाणा सरकार के दबाव में पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि पुलिस केस को आत्महत्या बता रही है। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। घटना नंबर तीन, 2 अप्रैल भारत बंद आंदोलन के दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर लगाए गए झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए और जो लोग जेलों में बंद हैं उन बेगुनाहों को जेल से रिहा कराया जाए। घटना नंबर चार, राजस्थान के जयपुर में अभी तक हाल ही में मुस्लिम समाज के 7 साल की नाबालिग लड़की को घर से अपहरण कर उसके साथ बलात्कार कर रोड पर फेंक दिया गया एवं न्याय की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंदोलनकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। उक्त घटना का सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। घटना नंबर पाँच, बुलंदशहर के चांदपुर गांव में दलित परिवार की 2 महिलाओं के साथ कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की गई। जब महिलाओं ने विरोध किया तो उन्हें गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाता है। अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। घटना नंबर छः, देश में धर्म और जात के नाम पर आए दिन तमाम घटनाएं हो रही हैं, जिस पर सरकार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। हाल में देश में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाया जा रहा है। आए दिन SC ST OBC अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में सरकार नाकामयाब साबित हो रही है। देश में हो रहे जुल्म और अत्याचार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया जाए ताकि देश में शांति और सद्भावना स्थापित हो सके। आज हमारे साथ में है प्रदेश अध्यक्ष मिशन काशीराम के रामवीर जाटोलिया जी। आज जन आक्रोश रैली निकाली गई, वो मतलब किसके कारण निकाली गई? धन्यवाद। आज ये जो जन आक्रोश रैली हमने यहाँ निकाली है भरतपुर में, ये दलित मुस्लिम एकता मंच के बैनर तले निकाली गई थी। देश के अंदर जो जाति और धर्म के नाम पर जो एट्रोसिटी हो रही है, लोगों को गाय के नाम पर मारा जा रहा है, लोगों को जाति के नाम पर मारा जा रहा है। परसों के दिन गुड़गांव में एक वाल्मीकि को, अजय वाल्मीकि को दिन दहाड़े गोली मार करके मार दिया जाता है। जयपुर में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे जंगल में पटक दिया जाता है। ऐसे तमाम इस देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं। उन घटनाओं के लिए यहाँ जनता में बहुत रोष था, उस रोष को लेकर के आज यहाँ एक आक्रोश रैली और युवाओं ने, दलित मुस्लिमों ने, सबने मिलकर के आक्रोश रैली आज निकाली है। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम कि इन पर सरकार ठोस कदम उठाए और जो दोषी हैं उन दोषियों को फांसी की सजा हो। फांसी दो।